Prediction time starts. Hello. Hi, judges. Hi, Michael. क्या हाल है? मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं? हाँ जी, इंट्रोडक्शन. मेरा नाम माइकल है. मैं 24 साल का हूँ और बैंगलोर से हूँ. बाई प्रोफेशन आई एम अ फिटनेस एंड फैशन मॉडल. मैं मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी हूँ और मैं एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ. और मेरा रेवोल्यूशन ये है कि आई वॉन्ट टू हाईलाइट द फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के बीच में हुए कनेक्शन को, क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर था और मैं एक्चुअली प्रोफेशनल बनना चाहता था और एक ड्रंक ड्राइवर ने मुझे मारा और उसके वजह से मेरा एंकल टूट गया और तीन टेंडन्स काट गए और उसके बाद बेड रेस्ट हुआ था. बहुत डिप्रेशन में गया था और फिर उसके पहले मेंटल हेल्थ, आई डिडंट बिलीव इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़. सो उसके बाद मुझे पता चला, आई रेड अबाउट द कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और मैं थोड़ा ट्रेनिंग स्टार्ट करना किया. आई जस्ट स्टार्टेड मूविंग स्मॉल मूवमेंट्स और मुझे बॉडी वेट ट्रेनिंग पर बहुत इंटरेस्ट हुआ. आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ कैलिस्थेनिक्स एंड सो नाउ यूजिंग माय सोशल मीडिया आई ट्राई टू इंस्पायर पीपल टू लाइक ट्राई टू एक्सप्लोर दैट साइड. ऑलरेडी कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे? हाँ, कर रहा हूँ. यू ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल, दैट्स ग्रेट. ये सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आपने खुद रिसर्च किया इसके बारे में, द कनेक्शन बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. यस. किसने आपको बताया? नहीं, आपका ये खुद का इंटरेस्ट था एंड यू वेंट एंड स्टडीड इट योरसेल्फ. यस, मुझे एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत पसंद है और आई कुडंट सी माय सेल्फ बीइंग डाउन लाइक दैट. क्या क्या कनेक्शंस हैं? कैन यू जस्ट थोड़ा सा लाइट डाल सकते हो उस टॉपिक पर कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ में क्या कनेक्शंस हैं, थोड़ा सा बता दो. वो फर्स्ट और मोस्ट बेसिक थिंग जो सभी लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, व्हेन यू मूव यू हैव अ रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स एंड यू फील गुड. इट गिव्स यू अ रश, इट गिव्स यू अ हाई. और वो फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद वो कांस्टेंट प्रोग्रेस होता है ना, वो कांस्टेंट प्रोग्रेस आपको एक मेंटली, यू कैन अप्लाई दैट टू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जस्ट प्रोग्रेसिंग फिजिकली. सो यू कैन मेक फिजिकल गेन्स एंड दैट कनेक्ट्स विद योर मेंटल गेन्स एज वेल. माइकल, टेल अस समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड. एक्चुअली मैं आधा नाइजीरियन हूँ और आधा इंडियन हूँ. मेरा डैड नाइजीरिया से है. But my mom and dad got divorced, so I was raised by a single mom, like the man I am today. She did a good job. Thank you so much. She did a great job. And like, she's like, I'm excited about this, but obviously she's way more excited than me, so I want to do this for her as well. आप बैंगलोर में रहते हैं, पर आपकी मॉम कहाँ से हैं इंडिया में? मेरा मॉम बैंगलोर से ही है. From Bangalore. हाँ, I'm half Kannadiga. Okay. Kannadiga Nigerian, that's got to be the first. I'm 1/4 Kurgi as well. My granddad. Oh my god. Idara. hota hai. Hota hai. That's what I'm writing on my Oppo. Hota hai. For so long. Jab isi cheez ne mujhe Oppo uthane se mana kar diya. Jab send press ho jata hai na to aisa hota hai. 1 minute left. Yeah. So can I show some of my skills? Ha. Yes. I would like to do that. Yes, please. Aapki hum revolution ke bare mein. Wo kya hai? Oh, yeah, actually Rubik's Cube hai. Mujhe, if you can mix this up while I'm doing that, I can solve the problem. Maza aa jayega. I'm fascinated by the Rubik's Cube. I've already made a little pattern. Sweet kid, man. Oh. Easy. Dar lagta hai chhodna abhi. Doing a muscle up on the rings is very difficult. Three times more difficult than doing it on a ball. Oh, really? Three times. Look at these gymnasts, yeah, how they That's do it. Yeah. If there are bars, I can show some on that as well. Yeah, just travel on that bar this side, na? Those two rings. Hold the rings and then travel using the rings. And travel back like this. Same way. कहता मैं सीधा नहीं होगा ऐसे जाऊँ. वही बोला था कि वैसे. I can show some of my yeah dribbling as well. Dribbling. Finally, somebody picked up a basketball. My favorite player, Allen Iverson, with this killer crossover. The answer. The answer. All the way. Practice.
You're talking about practice. You're talking about practice. Not the game. Not the game. Practice. अभी खेल के बहुत साल हुआ ना. Why? Almost. Why aren't you playing? I'm fully recovered now. पर मेरा so I also work part time as a personal trainer. मैं fat loss specialist हूँ क्योंकि मेरा fat loss journey actually magazine में भी feature हुआ था. और उसके वजह से बहुत सारे लोग मेरा स्टोरी पढ़ के मेरे पास एडवाइस के लिए आए थे. एक टाइम पे आप भी आपका मेरा वेट 95 केजीज था. बहुत मोटा था. कैच दिस. हां अभी मेरा वेट 70 है. नाइस. सो 25 केजीज लूज किया हूं. बट यू आल्सो गॉट मसल. या आई आल्सो गेन मसल. अच्छा जैसे ही आप ये कर रहे हो ना इसके साथ साथ आप एक हिंदी गाना. हां मुझे बस दो लाइन ही आता है वो मैं गा लेता हूं. वही बार बार गाते रहना जब तक रूबिक्स क्यूब. But it feels, this is the first time I've sweated doing a Rubik's Cube. मैं already mental health के बारे में बात कर रहा हूँ और fitness के बारे में भी बात कर रहा हूँ online. So मुझे अभी तो I have about 10,000 followers. अभी 10,000 लोग को पता है कि एक बंदा Michael है और ये कर रहा है. मुझे ज़्यादा बड़ा platform हो तो मैं ज़्यादा लोगों को भी मैं ये message spread कर सकता हूँ. ऐसा कोई इंसान है जिसको आपने mental health या depression मेंटल हेल्थ उनकी क्योर की या डिप्रेशन से निकाला है? नहीं क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड टू गिव दैट काइंड ऑफ एडवाइस. लाइक आई एम नॉट अ डॉक्टर हियर. सो आई टेल पीपल माय स्टोरी माय जर्नी एंड हाउ इट हेल्प मी. एंड आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट स्टोरी क्योंकि बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं जो शायद इस डिप्रेशन के थ्रू गुजरे नहीं है. दे हैवंट बीन थ्रू इट. एंड आई थिंक यू आर एन इंपॉर्टेंट टॉर्च बेयरर फॉर समवन हु हैज बीन थ्रू डिप्रेशन एंड हैज मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट. क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सिर्फ इकोनॉमिकली वीक या ब्रेकअप के बाद सिर्फ ऐसे लोग डिप्रेस नहीं होते. डिप्रेशन कैन हिट एनीबॉडी एट एनी टाइम फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ एट एनी एज. हाउ ओल्ड यू? 24. आई थिंक एक यंग एज में अपने अंदर बदलाव लाना. एंड बिकॉज सी वी हैड दैट गाय ऑल्सो जिसने बोला कि मेरे मॉम डैड ने मुझे सही टाइम पे कोचिंग नहीं दी और मैं नहीं तो इंडिया खेल के आ जाता. वी हैव पीपल लाइक दैट इन आवर कंट्री. एंड देयर इज अ गाय हू अगर इसने नहीं बताया होता कि मैं डिप्रेशन में था बास्केटबॉल का प्लेयर नहीं बन पाया. You would have seen his profile or him and you say, wow, what a stud, yeah? What a stud. He doesn't let, he's actually become a pioneer in his own field. I mean, here people come and say that my mom was a single mother, the hardships that we've seen. He's like, no, mom did a great job and I'm moving ahead. That's also something that yeah. is taken in a stride. So I like that. Already, jo kaam kar rahe hain, to change people's lives. And this is what we said a couple of days ago, ki yaar, तेरे कितने फॉलोअर्स? उसने कहा मेरे 2000. वो लड़की जो थी अभी तक से पोस्ट किया आपने कुछ नहीं? अभी नहीं, जब बहुत सारे हो जाएंगे तब करूंगा. रन शेयर 49,000. He has 10.8,000 but he's doing it. That's the difference. That's the kind of people we want. This is I'm so glad कि आपने ये बात छेड़ी because यहाँ पे बैठ के मैं उस लड़की के बारे में यही कह रही थी. Of course our fellow leaders felt कि क्योंकि उसके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो वो एक आवाज़ उठा सकती है. नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट मुझे भी ऐसे लगा दिस इज व्हाट आई मेंट यू नो प्रिंस की इसके सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स हैं फिर भी ये आवाज़ उठा रहा है. एंड इट्स ग्रेट टू हैव 10,000 फॉलोअर्स. इट्स अ लॉट. आई मीन ब्रो बाय द वे राइट नाउ एज वी स्पीक इट्स 15,000. बाय द टाइम दिस एपिसोड एंड्स इट विल बी 20K. एंड दिस इज द चेंज द रेवोल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसे इंसान की आवाज़ ज़्यादा लोग तक पहुँचे. ज्यादा लोग बिकॉज पीपल आर ऑल्सो शाई अबाउट दिस मेंटल इलनेस. इंडिया में लोग बात नहीं करते डिप्रेशन के बारे में. तेरे को डिप्रेशन है, तेरे में जान ही नहीं है, तेरे में यू हैव नो स्ट्रेंथ. दे ऑलवेज से चीयर अप. डिटरमिनेशन नहीं है अगर तू डिप्रेस. चीयर अप लाइक हे डोंट वरी एवरीथिंग बी फाइन. चीयर अप. आइसक्रीम खा ले. नो आई हैव डन इट बिफोर टू पीपल एंड लाइक वंस आई फेस्ड इट आई नो हाउ हॉरिबल इट इज. सो इमेजिन इफ यू गो टू द जिम एंड दिस गाय इज लाइक डूड आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू. मैं तेरी मदद करता हूं एंड बिकॉज नाउ 10.8 पीपल नो. More people go to him and that's what he said कि ऐसा already हो चुका है. Michael, हाँ, आपने Rodies देखा इससे पहले? हाँ, actually मैंने अभी 2 महीने के पहले ही पता चला Rodies के बारे में. मैंने previous season देखा हूँ और उसके पहले season का interviews देखा. आपने देखा इस show में क्या-क्या होता है? हाँ, देखा हूँ. कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी restaurant में बैठे हैं और लोग आपके बारे में हिंदी में बात कर रहे हैं, आपको सब समझ आ रहा है? हाँ, सभी समझ में आता है. और आपको foreigner समझ के अलग अलग चीजें कह रहे हैं आपके बारे में. हैव यू एवर हैड फन? हंस के सभी अलग अलग चीज बोलते हैं मुझे. लाइक व्हाट? व्हाट्स अ फनी टाइम जस्ट अगर आप बैठे हैं, अगर मुझे कुछ कहना है कि नहीं मैं इसके आगे लाइन जंप करके चले जाऊंगी, इसको पता नहीं चलेगा, लाइक समथिंग फनी लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड. मुझे मोस्टली पेट्रोल बंक में होता है मुझे ये.
आपको तमिल भी आती है? हाँ तमिल आता है। तो फिर तो बहुत अच्छा तमिल पेश है। तमिल पेश मिला ना, तमिल नल्ला भी पेश में।